हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी मंडे न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी के अपकमिंग अपडेट के बारे में, दो बोनस न्यूज के बारे में। मैंने आपको 4 हफ्ते पहले अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर एक अपडेट दिया था, एक्वामैन फैंटास्टिक बीस्ट इन हिंदी में रिलीज होगी। और देन फाइनली फैंटास्टिक बीस्ट का तो ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और एक्वामैन आज ऑफिशियल कन्फर्म हो चुकी है कि ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी। डीसी के डिस्ट्रीब्यूटर थे जितने, उन्हें काफी डाउट था कि ये मूवियां हिट नहीं जा रही है, जैसे कि सुसाइड स्क्वाड, वंडर वुमन, पर उल्टा हुआ। वंडर वुमन सुपर हिट हो गई पर उन्होंने उसके हिंदी के राइट्स नहीं खरीदे, ना ही उसे रिलीज करा गया और ये मूवी इंग्लिश में रिलीज हुई। बट जैसे ही जस्टिस लीग हिट गई इंडिया में, सिर्फ ओनली इंडिया में, फाइनली उसे देखते हुए एक्वामैन को भी रिलीज करा जा रहा है और इसके ट्रेलर को काफी ज्यादा रिस्पॉन्स मिला था। तो एक्वामैन फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि इन हिंदी आपको थिएटर में देखने को मिलेगी और जल्द ही भारतीय सिनेमाओं में ये मूवी भी हिट होने वाली है, क्योंकि एक्वामैन का ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि ये मूवी सुपर हिट जाएगी। और देन आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं बोनस न्यूज के बारे में। तो फाइनली अवतार आर-रेटेड खून खराबे वाली मूवी होने वाली है। और देन सेकंड अपडेट है मार्वल का। केविन फाइगी ने बोल दिया है कि इटर्नल्स थोड़ी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जैसी होने वाली है। नहीं, आपका क्या मानना है मुझे बताना जरूर। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। और रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर बंडू वुमेन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।